हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज रोहू, कतला, ग्रास मछली पकड़ने के लिए जो चारा हम बताने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। यदि जब आप मछली पकड़ने के लिए जाते हो तो चारा कौन सा लेकर के जाएं, कौन सा चारा सही है। बरसात का मौसम आ गया है दोस्तों और बहुत सारा पानी इधर से उधर हो रहा है और बहुत सारी मछलियां भी जो हैं आई हुई हैं दोस्तों। तो इस मौसम में जो गंदला धुंधला पानी है दोस्तों, नदी नालों तालाबों में जो आ रहा है पानी, और मछलियां भी बहुत सारी आई हुई हैं दोस्तों, कई प्रकार की मछलियाँ हैं दोस्तों। एक ही चारा बताऊंगा दोस्तों, बहुत सारी मांसाहारी मछलियों का और शाकाहारी मछलियों का भी शिकार आप उससे कर सकते हो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है दोस्तों। एक चारा और कई शिकार, एक चारे से कई शिकार जो है दोस्तों आप इससे कर पाओगे, ये देख पा रहे हो आप। ये मैं भुरभुरी मिट्टी में आ गया हूँ, ये है दोस्तों केचवा, जिसको हम यहाँ पर केचवा बोलते हैं। आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन हम इसको यहाँ पर केचवा बोलते हैं दोस्तों। और ये देखिए, केचवा जो है दोस्तों बहुत कई सारी मछलियों का जो है बहुत ही बेस्ट चारा है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये नहर है हमारे पास और नहर में धुंधला गंदला पानी जो है, बरसात का मौसम आया हुआ है दोस्तों और पानी भी गंदला पानी है, बिल्कुल रेतीला पानी आया हुआ है। और इसमें जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आई हुई हैं दोस्तों। आज हुक से कैसे शिकार करते हैं जो केचवा है दोस्तों, उसको लगा करके हुक से कैसे शिकार करते हैं, आज यही हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो केचवा है ना दोस्तों, इस केचवे को ढंग से यदि आप हुक में लगाते हो और हुक में लगा करके जब आप डालते हो तो आप कई सारी मछलियों का शिकार आराम से कर पाते हो। तो दोस्तों, ये जो केचवा है ये भुरभुरी मिट्टी में मिलते हैं आपको। सबसे पहले तो आप इसको देखिएगा कि जहाँ पर मिट्टी में छोटे छोटे दाने मिलते हैं, उन दानों जो दाने हैं वो संकेत होता है इसका कि यहाँ पर केचवा है। तो आप सबसे पहले मिट्टी से केचवा निकालिएगा दोस्तों। मिट्टी से केचवा निकालने के बाद आप जो है ये देखिएगा कि कौन से स्थान पर मैंने जो है अपना हुक डालना है। आप पहले केचवा जो है अपने इकट्ठा कीजिएगा दोस्तों। इकट्ठा करने के बाद आपके साथ बहुत सारा मछली का चारा होना चाहिए, कम से भी कम 20 या 30 जो है केचवे आपके पास होने चाहिए ताकि लंबे समय तक हम जो है हुक से शिकार कर पाएँ। ये हमारे पास हुक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये हुक है मेरे पास, इसमें ही लगा करके जो है आज मछलियों का शिकार करना है। तो आपके पास किस प्रकार का हुक है, वो किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूँगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो जैसे रोहू मछलियाँ भी आई हुई हैं इसमें, ठीक है। और इस प्रकार से मैंने ये केचवा जो है दोस्तों, देखो इसमें मैंने लगा दिया है, आप भी देख पा रहे होंगे, आप भी इस प्रकार से जो है केचवे को लगाइएगा दोस्तों। सबसे पहले तो तरीका यही आना चाहिए हमें कि किस प्रकार से हम जो है केचवे को अपने हुक में लगाएं। नोक बाहर नहीं निकली होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो मछली जब आपके हुक को पकड़ेगी तो पहले ही पकड़ते ही वो छोड़ देगी, क्योंकि उसको जो हुक है वो चुभ जाएगा और चुभने के बाद जो है दोस्तों मछलियां जो हैं वो छोड़कर आपके हुक को चली जाती हैं। लेकिन आपको हुक बाहर नहीं निकालना है, आप इस तरीके से जो है चारा लगाएंगे और मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। ये देखिए, आपको ये हुक मैंने यहाँ पर डाल दिया है नहर के अंदर, और ये जो आप देख रहे हो ये मेरी जो डोर है वो भी दिख रही होगी आपको, और ये काफ़ी सारी बड़ी नहर है दोस्तों, आपको मैं फिर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मछलियाँ भी कूद रही हैं इसमें। तो कई प्रकार की जो है मछलियाँ दोस्तों इसमें आई हुई है। कॉमन क्रैप मछली कम से कम 3-4 किलो का कॉमन क्रैप अभी हमने इसमें पकड़ा था, वो लेकर के जा लिए हैं हमारे साथी, लेकिन मैं यहाँ पर अभी डटा हुआ हूँ। तो दोस्तों शिकार अभी देखो, हुक में जो मछली है वो लग चुकी है दोस्तों, आप भी देख पा रहे हो, संकेत दे रही है, ध्यान से देखिएगा आप, हुक में जो है मछली लग चुकी है दोस्तों, मछली पास आ चुकी है। कई प्रकार की मछलियाँ आपकी तरफ भी यदि नदी है दोस्तों तो आप आसानी से शिकार कर पाओगे। और ये देखिए दोस्तों, मछली लग गई है, और पकड़ में भी जब मछली आती है तो दोस्तों बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों वीडियो शेयर